देखिए ये करेगी बटरफ्लाई की शेप में, ये शेप में ऐसे बटरफ्लाई की। So this is palm trees near the beach. So they have 10 rooms available and right now it is full. Can you show me around? Yeah, I'll show you. Yeah. Need to take my slipper off. पूरा एसी वेसी भी लगा हुआ इसमें। कोकोनट लीव्स। ओके, ये कोकोनट लीव्स से बना हुआ है ये पूरा। तो इसका वो क्या रहता है वैसे रेट, व्हाट इज द रेंट फॉर? 1000 रुपीस पर डे। That is nice. And do you have any restaurant here too? We don't have restaurant. We have only the rooms. You have only the rooms. So this is the washroom. Coconut leaves से ठंडी वो थोड़ी। Nice, very nice. So it is, ये काफ़ी मतलब सोल्ड आउट है। और अगर आप मतलब इधर आ रहे तो रुक सकते हैं क्योंकि रूम मुझे तो बहुत पसंद आया है। स्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा है। ये कोकोनट लीव्स कौन मतलब कैसे बनाया हुआ है ये पूरा? अच्छा, फोल्ड करके। वाह, वंडरफुल, थैंक यू। Look at this, what it is written. We are in isolation. Outsiders are not allowed. Please respect our decision and do not try to come inside. Our business is closed till corona business is going on. They are saying that corona is a business. ये है क्या पता, but जो भी है closed है। Do you have shorts for men? Can you show me? Many I have, but just few I think. Do you have some Goa design type? No? Beach one. Beach one. Kind of like this also. How much will this cost? 300. Platinum Beach आ चुका है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दूर से। क्राउड जरा भी नहीं दिख रहा है अभी, ये बिल्कुल खाली है। ब्लू है पूरा का पूरा पानी। क्या हुआ? टाइम कितना हुआ है? 11 बज गए सुबह के। और साउथ गोवा में आने का यही फायदा है कि आपको क्राउड बहुत कम मिलेगा, इधर बहुत ही शांति मिलेगी, अपना आराम से आके आप बैठ सकते हो। काफी सारे स्नैक्स भी है यहाँ पे। लाइफगार्ड हो वैसे मतलब कोविड के बिना तो कैसे रहते हैं? नॉर्मल रहते हैं? उस तब भीड़ रहती है, भीड़ रहती है, भीड़ रहती है, बड़ा रहता है। ज्यादा होते हैं। अच्छा, फॉरनर ज्यादा होते हैं। कोविड के चक्कर में थोड़ा कम भीड़ है इधर। वैसे आपने मतलब कभी हुआ है कोई एक्सीडेंट हुआ है इधर? होता है एक्सीडेंट? होता है, होता है, फिर बचाया हुआ है, बढ़िया, चलो अच्छा अच्छा।
क्या मिलता है वैसे इधर? ब्रेकफास्ट में क्या है मतलब? इधर क्या लोग कमाते हैं वैसे? लेकिन वैसे नॉर्मली भरा रहता है बीच या फिर? नहीं नहीं भरा रहता है, लेकिन इस बार थोड़ा काफी कम दिख रहा है। अलाउ नहीं है। अच्छा फ्लाइट नहीं चलती। जो यहाँ रह गए थे वही है बस। बाहर से अभी कोई आ नहीं पा रहा। जो आपको दिख रहे हैं इधर ही रुके थे। हाँ वो यहीं पे गोवा में ही थे। नहीं अभी हमें ना एक्चुअली जाना है नॉर्थ गोवा जाना है, तो देर हो रहा है। ठीक है थैंक यू। लेकिन आप एक बार मेन्यू दिखा दो मुझे। रेट तो ठीक है इधर का। फिश। अरे ये कैसा? आपका नाम? यादविंदर ठाकुर। कहाँ से हो? लग रहे हो ऐसे। चलो ठीक है सर। ठीक है ओके। ये है तांत्रा कैफे पटनम बीच में। रेट ठीक है इधर का। अभी टाइम हो चुका है नॉर्थ गोवा जाने का। नॉर्थ गोवा जाएंगे हम यहाँ से कैब पकड़ के, फिर उसके बाद नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करेंगे। चार रातें रुक। इतना सारा सामान ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, वो है, वो है, ये है, ये है, जगह ही नहीं है रखने की। अभी क्या कर रही है? पहन रही है। अरे मेरी क्या पहन रही है? तू हार्ट ब्रेक किड है। हार्ट ब्रेक किड मैं हूँ। मैं दिल तोड़ता हूँ लोगों को। शॉन माइकल्स तोड़ते हो? हाँ मैं तोड़ता हूँ। तू भाई तो अपने सूटकेस में क्या लाई है ये तो बता दे कि जरा भी जगह नहीं, ऐसे कौन सा भर के लाई है? लाशे वाशे लाई है क्या? कॉल इज कमिंग उसका ड्राइवर का। थैंक यू भैया। कुछ रह तो नहीं गया ना? टुपकी रिसॉर्ट पूछो उसके बगल में है। पटनम अपार्टमेंट। टुपकी पटनम अपार्टमेंट। हम नॉर्थ गोवा जा रहे हैं और अमृता को नारियल पानी की प्यास लगी है। हाँ कितना? एक एक अभी एक। वन आवर 20 मिनट्स हो रहे थे अभी इधर से। यहाँ जाना है हमें इधर की तरफ। अभी अभी मडगांव बस स्टेशन पास किया है। टाइम लगेगा इस ब्रिज को बनने में? गवर्नमेंट बोला है 25 तक हो जाएगा। 25 जिस तक ये ब्रिज बन जाएगा भाई बेंगलोर से कनेक्टिविटी होगी गोवा की। हाँ बढ़िया। अभी 4 बजने को हो रहे हैं दोपहर के, और सुबह से सिर्फ चावल और दही खाई हुई है और बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। पहले चेक इन करेंगे फिर शहर बाहर निकलेंगे, या फिर अगर रास्ते में कुछ आता है तो खाएंगे, देखते हैं। उसी का वेट है। वेट में छोटे खूब कूद रहे हैं। मुझे लगता है कुछ हमेशा कैरी करना चाहिए साथ में हल्का फुल्का। 12 मिनट का रास्ता रह गया है और ये रोड आई है। बढ़िया प्यारी रोड है बीच में। लोग फोटोज भी खिंचवा रहे हैं अपनी। इधर और बहुत ही प्यारा सीनिक व्यू है, देख सकते हैं आप जैसे। लेकिन रोड बहुत छोटी है।
ओ भाई क्या समझ रखा है। ये एक और आइसोलेटेड एरिया, पंजाबी कुल्फी आइसक्रीम पार्लर गोवा की स्ट्रीट में।